अब क्या करना है, ए का प्रथम पद सबके लिए सेम है, वन रखेंगे, और डी का मान अब कितना हो गया, दो हो गया, तो डी के जगह में दो रख देंगे, तो हो जाएगा दो एकम दो प्लस इसको टू से इंटू करेंगे, टू इंटू एन टू एन माइनस दो एकम दो माइनस दो प्लस दो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एन बाई टू इंटू टू एन, टू से टू कट गया, एन इंटू एन क्या जाएगा एन स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। इसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, तो एस थ्री लिखेंगे, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सूत्र वही रहेगा। अब तृतीय पद का योगफल मतलब तीसरे समांतर श्रेणी के n पद का योगफल का मान s3, s3 बराबर n अपॉन 2, 2a प्रथम पद एक लेना है, n माइनस वन, अब d का मान कितना लेना है 3, ठीक है, d का मान 3 लेंगे, ये हो जाएगा s3 बराबर n अपॉन 2, दो एकम दो, अब इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 टू n 3n माइनस 3 एकम 3, ये हो जाएगा n अपॉन 2, ये हो जाएगा 3n माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ये s3 का मान। इसके बाद समीकरण एक और समीकरण तीन को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण एक धन समीकरण तीन, और उसमें से ठीक है समीकरण एक और तीन को जोड़ देंगे। अब समीकरण एक में s1 का मान हमको मिला था कितना, n बाई टू एन ना, तो S1 plus S3 बराबर, अब S1 का मान कितना प्राप्त किए थे, N by 2 N plus 1, तो N upon 2 N plus 1, ये समीकरण S1 का मान है, plus N3 का मान कितना आया था, N by 2 3N minus 1, N by 2 3N minus 1, ये अब S1 plus S3 बराबर N upon 2 ऐसी रहेगा। अब इसको n बाई टू कॉमन निकाल लिए, यहाँ क्या बचेगा बेटा, n प्लस वन फिर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3n माइनस वन, अब माइनस वन प्लस वन को कट कर देंगे, तो n अपॉन टू, यहाँ पे 3n और 1n कितना हो जाएगा 4n, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से दो एकम दो, दो दूने चार, यहाँ पे कितना बचा 2n इंटू n n स्क्वायर, अब ये 2 और n स्क्वायर जो है वो किसका मान था, s2 का मान था, तो ये इसके जगह में S2 रख देंगे, कहाँ से आया, समीकरण दो से, ठीक है। तो ये S1 plus S3 बराबर 2S2, यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।